कि जा पेनी एक भी लड़की के साथ ना ही। तो फाइनली दोस्तों मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी द केरला स्टोरी ने आज 18 दिन कंप्लीट करके 19वें दिन में एंट्री मान ली है और हर दिन एक अच्छी मोटी कमाई अपने खाते में रखी है। दोस्तों मूवी को सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में खूब प्यार मिल रहा है। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, मूवी इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी ऐसे रियल इंसिडेंट कॉन्टेंट के डाई हार्ड फैन है तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सुदीप्त सेन के डायरेक्शन में लगभग 35 से 40 करोड़ के टोटल बजट में बनने वाली फिल्म द केरला स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पर आधारित फिल्म है और जो भी मूवी को देखकर थिएटर से बाहर आ रहा है उसकी रूह कांप जा रही है क्योंकि ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट इज वेरी प्योर। बहुत सी जगह ऐसे ब्रूटल सीन्स भी हैं जो बड़े पर्दे पर अधिकतर फिल्टर के साथ दिखाए जाते हैं, पर इस मूवी में आपको काफी रियलिटी देखने को मिलेगी, इसलिए लोग इसे पसंद भी खूब कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अजय शर्मा के मेन लीड में बनने वाली द केरला स्टोरी कैरेक्टर रोल प्ले के मामले में एक नंबर चल रही है। यस, साथ ही सपोर्टिंग कास्ट में आपको सिद्धि इदनानी, योगिता बिहानी और सोनिया बलानी जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, अपने पहले दिन जहां 8 करोड़ की बिग ओपनिंग ली और दूसरे दिन 11 करोड़, तीसरे दिन 16 करोड़, चौथे दिन 10 करोड़, पांचवें दिन 11 करोड़, इसी के साथ इस फिल्म ने बहुत कम समय में अपने पहले हफ्ते में ही 81 करोड़ 50 लाख से ऊपर का जबरदस्त स्ट्रांग होल्ड कर लिया था। दोस्तों इसी के साथ द केरला स्टोरी बॉलीवुड की टॉप 10 मूवी मोस्ट लवेबल फिल्म बन चुकी थी और आंकड़ा भी स्लो डाउन नहीं हुआ था और अपने दूसरे हफ्ते में तो अपने पहले हफ्ते से भी और ज्यादा स्ट्रांग होल्ड करते हुए रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ करते नजर आई। जी हां, लगभग 90 करोड़ का कलेक्शन अपने सेकेंड वीक से बटोरा और अपने थर्ड वीकेंड में लगभग 25 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन करके पठान जैसी जायंट मूवी को न सिर्फ टक्कर दिया बल्कि रिकॉर्ड भी तोड़ा और हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि यह अब किसी के बाप से नहीं रुकने वाली। दोस्तों 17 दिन में लगभग 199 करोड़ की कमाई करने वाली द केरला स्टोरी ने कल अपने 18वें दिन भी काफी शानदार ग्रोथ दिखाते हुए आगे बढ़ी। जहां लगभग 5.5 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने नाम किया जबकि फास्टैग जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी जबरदस्त टक्कर दे रही है उसके बावजूद। बात करें आज यानी डे 19 में कैसी ग्रोथ है, तो यस, मॉर्निंग ऑक्युपेंसी रेट शानदार होने के साथ और एडवांस में एक मोटी अच्छी कमाई अपने खाते में रखने के साथ आफ्टरनून और इवनिंग में भी काफी सोच अपने खाते में रखते हुए एंड ऑफ द डे शायद 6 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने खाते में रख लेगी मूवी। इसी के साथ एंड ऑफ द डे टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 210 करोड़ के आसपास हो जाएगा और पूरी दुनिया से लगभग 260 करोड़ के आसपास स्ट्रांग होल्ड कर लेगी और इसी के साथ इस साल की सेकंड बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी साबित होते जा रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी द केरला स्टोरी फिल्म देख ली है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दूसरा, क्या द केरला स्टोरी 300 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर पाएगी? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।